दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि वीडियो एडिटिंग के लिए सिस्टम कौन सा रिक्वायरमेंट रहता है। अच्छा सा और स्पीड, एवरीथिंग इज सपोर्टेड 64 बिट और 32 बिट, दो भी सपोर्ट करने के लिए। ओल्ड सॉफ्टवेयर से वो 32 बिट है, जो लेटेस्ट नए सॉफ्टवेयर जो आ रहे हैं हमारे मार्केट में, जैसे कि प्रीमियर प्रो है और कोरल वीडियो स्टूडियो बोल के एक सॉफ्टवेयर है और फिल्मोरा बोल के सॉफ्टवेयर है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं उसके अंदर। वो सिस्टम को हाई स्पीड चलने के लिए सिस्टम ज़रूरत रहती है अच्छे सिस्टम की। वो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बोलने वाला हूँ कि i5 प्रोसेसर सेकंड जनरेशन का 4GB रैम हार्ड डिस्क, तो आपकी मर्जी रहती है आप कितना वीडियोस आप उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं या डाटा आपका स्टोर में करना चाह रहे हैं उसमें कितना ज़रूरत है आपको, 500GB और 1TB जितना भी यूज़ कर सकते हैं आप, जितना आपको डाटा यूज़ हो रहा उसके हिसाब से आप उसका रख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए मॉनिटर बोलते हैं, तो आपको 21 इंचेस की मॉनिटर लेना बहुत बेहतर है, क्योंकि 21 इंचेस की मॉनिटर बोलते हैं तो आपको अच्छी रहती है। आपको जो डिस्प्ले आपका जो वीडियो आप एडिटिंग करते टाइम पे छोटा सा साइड में बॉक्स हो जाता ऐसा पूरा, तो आपको बड़ा स्क्रीन तो नहीं दिखता, आपको छोटा स्क्रीन दिखता है। इसलिए क्या सो जब 21 इंचेस की मॉनिटर है जैसे मतलब आपको ज़रा बड़ा सा दिखते रहता स्क्रीन, आप जो वीडियो कट कर रहे हैं आपका वीडियो रेजोल्यूशन कैसा है क्या नहीं चेक करने के बाद से आप लोग 21 इंच की मॉनिटर लीजिए। और एक बात क्या बोलते सो जो सॉफ्टवेयर रहते उसमें जैसा ये प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर है वो ज़रा हेवी सॉफ्टवेयर रहता, उसका जो रेजोल्यूशन उसको हार्डवेयर ज़रा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, जैसे कि ऐसा 4GB के बगैर आप जगह 8GB रैम यूज़ करें तो और स्पीड रहता आपको। और एक्सपोर्टिंग भी जो आप एक्सपोर्ट करते हैं वीडियो को, तो एक्सपोर्टिंग करते टाइम पे आपको स्पीड एक्सपोर्ट हो जाता, जैसा कि आप मामूली आप डुअल कोर पोर्टफोलियो में जैसा स्लो होता एक्सपोर्टिंग, वैसा इसके अंदर i5 में तो बहुत स्पीड एक्सपोर्टिंग होता। अभी तो लेटेस्ट EDS बोल के एक सॉफ्टवेयर है जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ परसों में, EDS 8.5। EDS में भी आप लोग एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत 4K HD आउटपुट आता उसके अंदर से, और ज़्यादा लोग तो वो वेडिंग वीडियोस एडिटिंग के लिए यूज़ करते रहते वो लोग। अब मिनिमम एक शॉर्ट फिल्म भी उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर में, बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। आप लोग एक बार उसका यूट्यूब में सर्च मार के एक बार देख लीजिए उसका ट्यूटोरियल कैसे रहता है उसका क्या है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं एडिटिंग के लिए, और उसको रिक्वायरमेंट सिस्टम बोलते सो मिनिमम आपको 4GB रैम और 500GB हार्ड डिस्क मिनिमम लीजिए, और DDR3 में 4GB रैम रहना चाहिए आपको, और मिनिमम आपको i5 प्रोसेसर सेकंड जनरेशन का ले लीजिए। आप लोग को यूज़ भी मिल जाता, आपको सेकंड हैंड में मिल जाता, आप लोग OLX में ट्राई कीजिए या तो आपके नियरेस्ट कहीं सर्विस सेंटर से कंप्यूटर्स के वहाँ पर भी जाके आप लोग खरीद सकते हैं सेकंड हैंड में भी है। कम बजट में आप लोग को हो जाता i3 भी यूज़ कर सकते, थोड़ा स्लो एक्सपोर्टिंग होता, एक्सपोर्टिंग तो बराबर ही रहता, वर्किंग तो सेम, लेकिन जब एक्सपोर्टिंग के मामले में आता ना तो जब ही स्लो हो जाता सिस्टम बोलने का, तो एक्सपोर्टिंग ही आपको क्या उसके अंदर नॉर्मली हो जाता। कम बजट आपको कम पैसों में होना क्या बोले तो ऐसा कीजिए i3 में ले लीजिए, और मदरबोर्ड आके इंटेल चिपसेट का लेना, दूसरा मदरबोर्ड नहीं लेना इसके लिए। आप NVIDIA का ग्राफिक कार्ड भी यूज़ कीजिए, 1GB का इनफ इस वीडियो एडिटिंग के लिए। ग्राफिक कार्ड विदाउट ग्राफिक कार्ड भी आप एडिटिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गेमिंग के लिए ज़्यादा ग्राफिक कार्ड आपको ज़रूरत पड़ता। अगर वीडियो एडिटिंग के लिए सिस्टम आप असेंबल करना चाह रहे तो मैं आपको एक बेस्ट एडवाइस दूंगा, वो एडवाइस क्या है बोलते सो प्रोसेसर खरीदिए सेपरेट, मदरबोर्ड एक सेकंड सेपरेट ले लीजिए, मॉनिटर तो नया ही लेना पड़ेगा सेकंड हैंड में, कई 21 इंचेस का मिल गया तो ले लीजिए, एक कैबिनेट ले लीजिए जो आपको 1000 से लेकर 2000 के अंदर आ जाएगा, और जो रैम है रैम तो नया लीजिए, जितना नया रैम है तो उतना स्पीड अच्छा रहता आपको सिस्टम का। और जब आप प्रोसेसर मदरबोर्ड कैबिनेट से अलग अलग लेने वाले हार्ड डिस्क सेकंड हैंड या नया ले लेके आप ऐसे भी असेंबल कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रोसेसर आपको जो कभी भी क्या है सब अलग अलग लेने से आपको रेट कम गिरेगा। अभी तो नए यूट्यूबर्स आए, कोई के पास कम पैसे रहते हैं कम, कोई के पास ज़्यादा पैसे रहते हैं, ऐसा मर्जी आप लोग की मर्जी जैसी भी लेना चाहे, लेकिन सजेशन क्या है तो सेकेंड हैंड में ले लेने से आपको कम रेट में गिरेगा। और आजकल तो वारंटी नए कोई 1 ईयर से ज़्यादा तो नहीं है वारंटी ऐसा, और क्या सो बर्न हो गया या नहीं तो फिजिकली डैमेज हो गया तो वारंटी वैसे आपको क्लाइम भी हो रही भी नहीं, ऐसा नॉर्मली प्रॉब्लम आए तो आपको वारंटी क्लाइम हो जाती है।
तो बेटर देन आप प्रोसेसर अलग अलग परचेस कीजिए और उसका फैन भी अलग परचेस से कीजिए, 200-300 में फैन मिल जाएगा अमेजन पे भी, और सेकेंड हैंड में आप जो आइटम जरूरत है वो एलएक्स पे ले सकते हैं आप, या नहीं तो कोई नजदीक में आपको सर्विस सेंटर है, बड़ा सा कोई सर्विस सेंटर है उसके पास मिल जाएगा, जो आप ले लीजिए, ले लेके असम्बल कीजिए। आपको मैं कैसा असम्बल करना, अगर आप असम्बल करना चाह रहे हो सिस्टम्स लेके आप लोग, तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, मैं कैसा असम्बल करना क्या है आपको मैं आपको बाद में आप लोग को बताऊँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर चाहे वीडियो आपको हमारा पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए।